आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 9 है क्लास 12th। वीडियो का ये पार्ट 6 है और इसमें हमें क्या करना है, कोई जनरल इक्वेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उसमें कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, उन आर्बिट्री कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना है। अब जो भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा उसमें हमसे इक्वेशन गिवन रहेगा उसको आप क्या करना है कि डेरिवेटिव करना है, वन टाइम टू टाइम जो उसमें पैरामीटर होंगे जैसे ए बी सी लाइक ए बी सी डी, तो उसमें पैरामीटर होंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव करके आप इन इक्वेशन से पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसमें यही करना है। अब ये वीडियो का हमारा पार्ट 6 है, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं, पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 2, पार्ट 6 से ही सिक्वल्स में वीडियो है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में इसका वीडियो पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जाकर वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्या करना है स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होज जनरल सोल्यूशन इज गिवेन। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है, टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल बी रिप्रेजेंट अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। कैसे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा मेथड पे एक बार हम देख लेते हैं, बट क्वेश्चन से हम जो समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। ठीक है, इफ द गिवन फैमिली ऑफ एफ ऑफ कर्व डिपेंड ऑन ओनली वन पैरामीटर देन इट इज रिप्रेजेंट बाई एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कोई उस किसी इक्वेशन में अगर एक पैरामीटर का गिवन हो उसका हम कैसे एलिमिनेट करेंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कुछ इस टाइप का फंक्शन हमारा गिवन होगा, इसमें एक सिंगल पैरामीटर ए गिवन होगा। ठीक है, एफ एक्स वाई ए इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन बनाएंगे। जैसे इस पर एक हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स कैन बी रिप्रेजेंट बाई एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में हम कैसे इसको लिखेंगे उस पर देखते हैं इस पर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका हम देखते हैं कैसे इसको लिख राइट करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स वाई ए वाई स्क्वायर ए एक्स लाइक ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे एलिमिनेट करने का हम प्रोसेसर कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे उसको करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, अगर उसमें सिंगल पैरामीटर गिवन हो तब उसके क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारा पैरामीटर गिवन होगा उसको इक्वेशन वन करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट हम उसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो हमें वी गेट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वाई डैश वाई एंड एक्स एंड ए। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे जिसमें इन्वॉल्विंग है वाई डैश वाई एक्स या ये भी इन्वॉल्व हो सकता है वाई डैश वाई एक्स एंड ए पैरामीटर, तो कुछ इस तरह से हमें जब डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ हमें फंक्शन मिलेगा वाई वाई डैश एंड ए इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर टू कर लेंगे इसको। ओके, करने के बाद इससे हम इक्वेशन वन और टू से हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करना कोशिश करेंगे जो पैरामीटर हमारा गिवन होगा। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग अ फॉर्म
इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है इसमें, बस आपको बस यही करना है कि जो भी गिवन होगा उसमें पैरामीटर, आप पहले इक्वेशन फर्स्ट को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, तो जो इक्वेशन आएगा उससे आप या तो उसमें पैरामीटर के वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या मतलब जो भी आपको उसमें जैसे भी हम एलिमिनेट कर सके पैरामीटर को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर बाय द वे अगर यहाँ पर मान लीजिए कि दो पैरामीटर हो तो हम क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, अगर उससे एलिमिनेट होता है तो उससे प्रयास करेंगे, दो बार करेंगे अगर तो फिर अगर उससे भी नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे। जब तक मतलब एलिमिनेट ना हो जाए पैरामीटर तब तक हम उससे वैल्यू निकाल के डिफरेंशिएट करते रहेंगे, बस इसमें यही है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इस पर एक हम क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स वेयर m इज आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगा, किसी भी कर्व का इक्वेशन गिवन हो, सर्किल का हो, एलिप्स का हो, स्ट्रेट लाइन का हो, तो उसमें जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट, अब इसमें देखिए इसमें हम करना क्या है, हमको इक्वेशन में करना क्या है, आपको ये जो यम दिख रहा है आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर, इसको हमें डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन को इसको एलिमिनेट करना है, यहाँ से रिमूव करना है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, y इक्वल टू mx इक्वेशन फर्स्ट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आप इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, करेंगे एक्सपेरिमेंट y का dy dx, m तो कांस्टेंट है, x का वन हो जाएगा, इन m के देखिए m की वैल्यू आ गई हमें यहाँ से, अब वही m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू m इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, पुट करेंगे तो यहां से y इक्वल टू m बराबर का रखना है d बाई dx इंटू x, ठीक है। थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं x d बाई dx माइनस y इक्वल टू जीरो, ये हमारा रिक्वायर फ्री फ्रॉम पैरामीटर मिल गया, विच इज फ्री फ्रॉम द पैरामीटर m एंड हेंस दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन गिवन हो उसको डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव करने के बाद आप जो एलिमिनेट करिए पैरामीटर करने एलिमिनेट करने के बाद हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। 9.3 हम करेंगे अगले पार्ट में,
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।